हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कल हमने गेट की न्यूमेरिकल्स का फर्स्ट पार्ट किया था, आज हम उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। आज कोशिश करूँगी कि गेट के न्यूमेरिकल्स जो है वो अपने कंप्लीट हो जाएं। गेट के बाद हम नेट के न्यूमेरिकल्स करेंगे। जेस्ट, TFR, IIT, JEE, जो भी क्वेश्चंस पॉसिबल है एक बार वो कंप्लीट करके फिर हम नेक्स्ट जो पेपर होगा हमारा वो स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो 15 क्वेश्चन तक कल हमने देख लिए थे, आज हम 16 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप ये जो थ्योरी कराने के थ्योरी के साथ वैसे कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी कराई गई थी, तो वो न्यूमेरिकल्स मैंने वापस नहीं लिए हैं इसमें। और आई होप कि इससे कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन होगा जो आपको नहीं आया होगा तो उसमें हेल्प हो जाएगी। और आई होप कि ये जो क्वेश्चन वाले वीडियोज़ हैं वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो गाइज, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोग बेनिफिट हो सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग डीके इज फॉरबिडन। ठीक है, चार ऑप्शंस दे रखे हैं, हमको बताना है कौन सा डीके फॉरबिडन है। अब देखिए, क्योंकि इसमें लेप्टोन्स हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेप्टोन नंबर कंजर्वेशन किस में फॉरबिडन हो रहा है, मतलब अलाउ नहीं है, सही नहीं है, जिसमें वो कंजर्व नहीं हो रहा होगा, क्योंकि लेप्टोन नंबर एक एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ है। अगर वो कंजर्व नहीं हो रहा तो रिएक्शन जो है वो नहीं हो पाएगी, रिएक्शन फॉरबिडन हो जाएगी। तो देखिए, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम। पहले ज़्यादा डीप जाने के बजाय सिंपल लेप्टोन नंबर से हर एक, हमको पता है क्या इंडिविजुअली लेप्टोन नंबर कंजर्व होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, म्यू है, इधर भी कोई म्यू का मेंबर है, इधर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन लेप्टोन है, तो इसके साथ एंटी लेप्टोन भी यहाँ पर है। यह लेप्टोन है, यह लेप्टोन है, वापस ये अलग फैमिली इलेक्ट्रॉन फैमिली का लेप्टोन है और ये उसी का इसी साइड में है, मतलब RHS साइड में इसका एंटी लेप्टोन है। तो यानी जब हम सेटिस्फाई कराएंगे तो लेप्टोन नंबर यहाँ पर कंजर्व हो जाएगा। यहाँ की बात करते हैं लेप्टोन नंबर की, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, एंटी लेप्टोन है, यानी इसका -1 होगा लेप्टोन नंबर, और ये क्या है, लेप्टोन है, तो इसका +1 होगा। तो वापस यहाँ पर कैंसिल होके LHS और RHS का जो मैच कर जाएगा। इस तरीके से इसमें देखें तो यही बात है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम आगे जाने के बजाय डायरेक्ट यही देख लेते हैं कि म्यूऑन फैमिली का एक मेंबर है, लेकिन म्यूऑन फैमिली का दूसरा मेंबर यहाँ पर नहीं है, यानी म्यूऑन का लेप्टोन नंबर जो है वो कंजर्व नहीं हो रहा है। फिर इलेक्ट्रॉन के लिए भी देखें तो एक इलेक्ट्रॉन इस पोजिशन वापस इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कंजर्व नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लेप्टोन नंबर कंजर्व नहीं है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, ये रिएक्शन फॉरबिडन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एविडेंस फॉर द नॉन कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी इन बीटा डीके हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द बीटा इंटेंसिटी। इसमें देखिए, मैंने जब आपको पहले पढ़ाया था बीटा डीके, उस टाइम पे बताया था कि वू का एक एक्सपेरिमेंट होता है, उस एक्सपेरिमेंट से पता पड़ता है कि पैरिटी जो है वो कंजर्व नहीं रहती है बीटा डीके में। ओके, तो इसका रीज़न क्या था, तो रीज़न देखिए, जो बीटा इंटेंसिटी थी वो एंटी पैरेलल टू न्यूक्लियर स्पिन डायरेक्शन इज सेम एज दैट अलॉन्ग द न्यूक्लियर स्पिन डायरेक्शन। क्या सेम थी क्या नहीं, जब मैंने नोट लिखवाए थे तो नोट्स में ये पॉइंट पूरा नोट करके हमने लिखा था, मैंने कहा था कि बस इसमें एक ही पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो एंटी पैरेलल जो उसमें होगी इंटेंसिटी वो उसके जो पैरेलल है उसके बराबर नहीं होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, डिफरेंट होगी, इसीलिए बोला था कि पैरिटी कंजर्व नहीं रहती है। तो इसमें आएगा एंटी पैरेलल टू न्यूक्लियर स्पिन डायरेक्शन इज नॉट द सेम एज द अलॉन्ग एज दैट अलॉन्ग न्यूक्लियर स्पिन डायरेक्शन, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ओके, अब 18 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कंसिडर फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके। तो फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके में जो पॉइंट लिखा है था, आई होप आपको याद होगा, तो उससे डायरेक्टली दोनों क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। द नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू मोमेंटा बिटवीन पी एंड डी पी इज। हमने उस टाइम पर देखा था कि फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके में जो नंबर ऑफ इमिटेड बीटा पार्टिकल्स होते हैं जिनका मोमेंटम पी ई से पी ई प्लस डी पी ई रेंज में होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो मेन इसका पॉइंट था कि वो प्रोपोर्शनल होता है ई मैक्सिमम माइनस ई ई स्क्वायर पी ई का स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल था। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं जो पूछा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, पी स्क्वायर डी पी के प्रोपोर्शनल है, तो ये आंसर हो गया। फिर उसी तरह का है कि द नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं मोमेंटम पी है, एनर्जी ई है, अलाउड अप्रोक्सीमेशन वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो वो मेन जो पूरा फॉर्मूला था वो इसका आंसर ये हो जाएगा। सिर्फ एक ही चीज़ थी उसमें कि किसके प्रोपोर्शनल होता है, इसके प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन से
दोनों हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, पार्ट सी में आ गया, क्योंकि न्यूक्लियर का क्वेश्चन हमको पता है क्या, पार्ट सी में न्यूक्लियर के तीन क्वेश्चन आते हैं। न्यूक्लियर कितना वेटेज कवर करता है, 5 × 3 15 मार्क्स का, है ना। तो ऐसा बड़ा क्वेश्चन आएगा, लगेगा कि क्या पॉसिबल है, जबकि क्वेश्चन देखना, टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन दिस इट्स ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन इज टेकन टू बी एन एडमिक्सचर ऑफ एस एंड डी स्टेट। ठीक है, वही जो मैंने न्यूट्रॉन की थ्योरी में बताया था कि इसका जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है उसमें एस स्टेट भी होती है और डी स्टेट भी होती है। तो ये क्या थोड़ी थ्योरी ही बता रहा है, मेन क्वेश्चन देखना, द एक्सपेक्टेशन वैल्यूज फॉर जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन प्योर एस एंड प्योर डी स्टेट्स आर, तो उसमें कितना वो बता दिया, द कंट्रीब्यूशन ऑफ डी स्टेट टू द मिक्सड ग्राउंड स्टेट इज अप्रोक्सीमेटली। मेन क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ डी स्टेट टू द मिक्सड ग्राउंड स्टेट इज अप्रोक्सीमेटली। हमको पता है कि वो एस और डी दोनों स्टेट में रहते हैं, 3s and 3d1, राइट। तो एस स्टेट में वो कितना रहता है, 96% टाइम्स रहता है, तो 96% तो ऐसा कंट्रीब्यूशन था, और डी का कंट्रीब्यूशन कितना था, 4% था। तो बस वही आ गया, तो आंसर इसका सिंपली 4% हो जाएगा। इसमें ये ऐसे ही नॉलेज के लिए इन्फॉर्मेशन दे देते हैं बहुत बार, और क्वेश्चन जो होता है वो सिर्फ लास्ट वाली लाइन से हमारा निकल जाता है आंसर। द स्ट्रेंज बेरियन सिग्मा प्लस हैज़ द क्वार्क स्ट्रक्चर। क्वार्क स्ट्रक्चर निकालना मैंने सिखा रखा है, सिग्मा प्लस बेरियन है ना, स्ट्रेंज है, इसका हमको क्वार्क स्ट्रक्चर निकालना है। तो देखिए सिग्मा प्लस एक तो बेरियन है, बेरियन के लिए क्वार्क स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यू 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 होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको क्या बोल रहा है कि ये स्ट्रेंज है, क्योंकि ये स्ट्रेंज है इसका मतलब इसके अंदर एस का रोल होगा, ठीक है, या एस बार का रोल होगा। अब देखिए सिग्मा प्लस इसकी स्ट्रेंजनेस कितनी होती है, लैम्डा और सिग्मा कैस्केड ओमेगा इन सबकी देखी थी, तो सिग्मा की कितनी होती है, -1 होती है। और एस की जब हम बात करते हैं क्वार्क में, तो क्योंकि उसका चार्ज नेगेटिव होता है, तो मैंने ट्रिक बताई थी कि चार्ज होगा वही उसके क्वांटम नंबर का साइन हो जाएगा, तो यानी एस ही -1 के लिए ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, स्ट्रेंजनेस -1, इसलिए सिग्मा प्लस के लिए एक तो एस होना चाहिए। अब इस पर टोटल चार्ज कितना है, पॉजिटिव है, यानी चार्ज +1 होना चाहिए। एस के लिए चार्ज कितना होता है, -1/3। तो अगर यहाँ पर मैं दो यू ले लेती हूँ, यू यानी अप क्वार्क का चार्ज कितना होता है, 2/3 ईच, इसका भी 2/3, इनको नेट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो सिग्मा प्लस का क्वार्क स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यू यू एस, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब देखिए, अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ट्रेवल्स अ लेंथ ऑफ 3 × 10⁻³ मीटर इन एयर बिफोर डिकेइंग। एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, डीके होने से पहले एयर में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, द डीके प्रोसेस ऑफ द पार्टिकल इज डोमिनेटेड बाय। अब हमको डीके प्रोसेस किस मतलब प्रोसेस से होगा, वो हमको डोमिनेट किससे करते हैं वो बताना है। तो हमको दे क्या रखा है, लेंथ दे रखी है जितनी उसने ट्रेवल करी, तो ये क्या उसकी ट्रैवलिंग डिस्टेंस हो गई है, तो डिस्टेंस कितनी है उसकी, 3 × 10⁻³ मीटर, ठीक है, डिस्टेंस आ गई। अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हम उसका हमको उसका लाइफ टाइम पता चल जाता है, लाइफ टाइम है ना, तो उस केस में क्योंकि हमने टेबल बनाई थी उसमें लिखा होगा कि इनमें से कितना किसका लाइफ टाइम होता है, वो चीज़ हमको याद रखनी, इसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो होती है चारों इंट्रेक्शंस की, वो तो उससे हम देखते हैं डिस्टेंस इतने कितनी ट्रेवल करी, 3 × 10⁻³ मीटर। एंड वॉट अबाउट स्पीड, बोल रखा है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, रिलेटिविस्टिक मतलब बहुत हाई स्पीड से, ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ पर स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, सी, दैट इज स्पीड ऑफ फ्लाइट, 3 × 10⁸ मीटर, कैंसिल, कितना आएगा, 10⁻¹ⁱ मीटर पर सेकेंड, है ना, तो 10⁻¹ⁱ आ गया सेकेंड। तो इससे हमको क्या पता पड़ता है, ये जो लाइफ टाइम है वो आता है वीक इंट्रैक्शन में, ठीक है, वीक इंट्रैक्शन की रेंज में आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वीक इंट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो आइसोटोप इज दिस। देखते जाते क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है, इसकी हाफ लाइफ दे रखी है, तो टी हाफ तो हो गया है, 4 × 10⁻⁸ ईयर्स, ठीक है। उसके बाद है कि इफ़ देर आर 10⁻³ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर इन अ सैम्पल टूडे, टूडे यानी आज की बात हो रही, अभी उसमें कितने हैं, तो स्टार्टिंग में हम क्या मानते हैं कि एन नोड है, और बाद में कुछ टाइम टी बाद में कितने बच जाते हैं, एन बच जाते हैं, तो अभी अभी बच की बोल रहे हैं ना, अभी क्या कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एन को मान लेते हैं कि 10⁻³ है, ठीक है। द नंबर ऑफ सच न्यूक्लियर इन सैम्पल 4 × 10⁻⁹ ईयर अगो, ठीक है, यानी क्या है कि
इतने साल पहले कितने थे, तो उसको हम एन नोड मानते कि इनिशियली एन नोड थे। कितने टाइम पहले, तो टी हमको कितना दे रखा है, 4 × 10⁻¹ ईयर्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल्स टू एन नोड ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। इसका मतलब एन नोड क्या हो जाएगा, इसको जो ट्रांसफर करो तो एन ई टू द पावर लेमडा टी, और ये हमको आंसर निकालना है। तो एन की वैल्यू तो क्या है, 10³ एक्सपोनेंशियल ऑफ लेमडा टी। अब देखिए टी हाफ क्या होता है, एलन टू बाय लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एलन टू डिवाइडेड बाय टी हाफ। टी हाफ यानी ये 4 × 10⁸ इंटू लेमडा बन गया। ये टी की वैल्यू क्या है, 4 × 10⁹ ईयर्स, कैंसिल करेंगे तो इधर क्या बचेगा, 10। अब ये 10 × ln² है, सिंपल कैलकुलेशन है, क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ln टू द पावर 10, कैंसिल होके ये इधर से क्या बचेगा, 2 × 10⁻¹, मतलब 2 की पावर 10 × 10³। इसका मतलब ये क्या होगा, 1024 2 की पावर 10, और मल्टीप्लाई में इसके क्या है, 10³। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फॉरबिडन। ठीक है, तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन और ये सब नज़र आ रहे हैं, तो लेप्टॉन नंबर चेक कर लेते हैं एक बार। इधर है पॉजिटॉन, एंटी लेप्टॉन है, तो इसका लेप्टॉन नंबर -1, और इसके लिए देखें तो ये भी क्या है, न्यू अगर ई होता सिंपल तो वो लेप्टॉन, ये एंटी लेप्टॉन -1। ठीक है, न्यू ही मान लो इसको, तो ये हो गया। फिर इसके अंदर देखें बी में इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो लेप्टॉन है तो 1, और ये भी क्या है, इलेप्टॉन है तो 1, तो इधर तो 2 हो गया, इधर है ही नहीं, तो मतलब कंजर्व नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर लेप्टॉन नंबर ही कंजर्व नहीं, तो रिएक्शन फॉरबिडन। ओके, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे नहीं कि हम शुरू से सारे पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगाने बैठ गए, पहले क्वेश्चन को देखना, लेप्टॉन बेरियन में बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं, क्योंकि क्या अभी हम गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो उसमें नॉर्मली जैसे गेट में जो क्वेश्चन आते हैं ना, आप देखना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो ईजी आते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा लेवल होता है, थोड़ा घूम फिर के आ जाते हैं, बाकी बहुत ईजी होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने इसमें नोट भी नहीं किए, क्योंकि वही कोई एलिमेंट देता है उसकी स्पिन पैरिटी निकाली, तो उस चीज़ को बार बार करने का भी कोई सेंस नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25th, कंसिडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर द मास ऑफ ए न्यूक्लियस विद जेड प्रोटोन्स एंड ए न्यूक्लियंस। ये दे रखा है पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है, एफ इज अ फंक्शन ऑफ ए, वाई की वैल्यू दे रखी है, जेड की वैल्यू दे रखी है, ए एंड ए सी आर कॉन्स्टेंट ऑफ सुटेबल डायमेंशन फॉर अ फिक्स ए, ए जो है वो फिक्सड है, द एक्सप्रेशन ऑफ जेड फॉर द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इज। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने 3-4 पहले भी करे थे, 3-4 या 2-3 जितने भी किए हो ना, तो फॉर अ मिक्सड ए द एक्सप्रेशन ऑफ जेड, तो इसके लिए क्या करना है हमको, सिर्फ डेल एम बाय, क्योंकि जेड के लिए वैल्यू निकालनी है हमको मोस्ट स्टेबल के लिए, तो डेल एम बाय डेल जेड को इस तरह के क्वेश्चन में हम 0 कर देते हैं। तो देखिए डेल एम बाय डेल जेड इक्वल्स टू 0 अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले हम वो एक्सप्रेशन लिख तो लेंगे क्या है, एम इक्वल्स टू क्या होगा, 1/c² एफ ए को तो एफ ए, देन वाई इंटू जेड, वाई की वैल्यू क्या है, -4ae z प्लस जेड इंटू जेड स्क्वायर, दैट मीन्स ए सी ए टू द पावर -1/3 प्लस 4ae a^-1 जेड स्क्वायर। एम का एक्सप्रेशन मैंने इनको यूज लेके पूरा लिख लिया है, अब डेल एम बाय डेल जेड को 0 करना है, दिस इम्प्लाइज दैट क्या आएगा इसमें, इस चीज़ कॉन्स्टेंट है इग्नोर, ये भी ए पे डिपेंड करता है, छोड़ो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो -4ae प्लस जेड स्क्वायर का 2z, और बाकी पूरी को मैं ऐसा कैसे लिख सकती हूँ, ए सी ए टू पावर -1/3 प्लस 4ae a^-1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो इससे जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4ae डिवाइडेड बाय ये चीज 2, ए सी ए टू पावर -1/3 प्लस 4ae a^-1। ओके, यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब इसमें से देखिए मैं अगर 1, इसको 2 के लिए देखिए, पहले आगे सॉल्व करके बता देती हूँ, जेड इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, इसको तो ऐसा कैसा लिख देते हैं, जेड है ना, 2ae डिवाइडेड बाय ए सी, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ये सिर्फ इसलिए ताकि कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन नहीं हो, गलत नहीं हो जावे, है ना, ए, और क्लियरली समझ में आ जाए, 2ae डिवाइडेड बाय।
अब देखिए, क्योंकि ए बाय टू चाहिए हमको, है ना, तो ए मैं ऊपर ले सकती हूँ, तो ए को ऊपर लेने के लिए मेरे को यहाँ से 1/1 कॉमा लेना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ से 1/1 कॉमा लूँगी तो क्या बचेगा, ए सी डिवाइडेड बाय ए टू द पावर -2/3 प्लस 4ae। ठीक है, इसके बाद मैं इस ए को ऊपर भेज देती हूँ और इस 2ae को डिवाइड में भेज देती हूँ। ठीक है, ए तो ऊपर, डिवाइड में क्या बना अब, ए सी ए टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 2ae प्लस 4ae डिवाइडेड बाई 2, वो क्या बोलते हैं ना। अब इसमें से यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन लेती हूँ ना, तो ए बाय 2 बना जाती हूँ यहाँ से 2 कॉमन लेके, और नीचे क्या बनेगा इस टाइम को, आगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अरेंज करूँ तो यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद में क्या बचा, 1 प्लस यहाँ से क्या टर्म बचेगी, ए सी डिवाइडेड बाय ए ए, और 2 कॉमन लिया था तो 2 टू 4 ए टू द पावर 2/3। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें से। मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया होगा, दोनों ऑप्शन सेम ही हो रहे हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन से पे भी एक पे टिक कर देते हैं। द क्वार्क कंटेंट ऑफ सिग्मा प्लस के माइनस पाई माइनस एंड पी इज इंडिकेटेड लाइक दिस। इन दिस प्रोसेस, ये हमको रिएक्शन दे दी, कंसिडरिंग स्ट्रॉन्ग इंट्रेक्शन ओनली, स्ट्रॉन्ग इंट्रेक्शन ही मानना है हमको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर स्ट्रॉन्ग इंट्रेक्शन है इसका मतलब क्या होगा कि उसमें स्ट्रेंजनेस, उसमें तो सभी कंजर्व होता है, तो स्ट्रेंजनेस भी कंजर्व होनी चाहिए और I3 भी कंजर्व होना चाहिए। तो देखिए, अगर दोनों कंजर्व है तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, अगर कोई एक होता है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि हमको क्या बोल रखा है, स्ट्रॉन्ग इंट्रेक्शन मान के चलना है। तो हम दोनों का कंजर्वेशन लॉ लगा देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ΔI3 की, रिएक्शन यहाँ लिख देती हूँ मैं, आई माइनस प्लस प्रोटोन गिव्स के माइनस प्लस सिग्मा प्लस। ओके, I3 की बात करते हैं, पाई माइनस के लिए I3 की वैल्यू, क्योंकि ट्रिपलेट है माइनस वन, प्रोटोन डबलेट है, I3 की वैल्यू हाफ होती है, तो टोटल I3 कितना आ जाएगा इसका, माइनस हाफ। यहाँ पर देखते हैं हम, के माइनस है, के माइनस के लिए अब I3 की वैल्यू क्या होगी, माइनस हाफ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि के प्लस और के जीरो के लिए वो होती है, इसके लिए माइनस हाफ होती है, और सिग्मा प्लस के लिए प्लस वन। तो यहाँ से कितना बना, यहाँ से कितना बना, यहाँ से तो बन रहा है -1/2, राइट, और यहाँ से कितना, इसका तो -1/2 और इसका कितना है +1/2। तो ये रिएक्शन में I3 कंजर्व है क्या, नहीं कंजर्व है, यानी ΔI3 जो है वो नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, यानी कंजर्व नहीं है। स्ट्रेंजनेस की बात करते हैं, तो ये स्ट्रेंज पार्टिकल है ही नहीं, ये स्ट्रेंज पार्टिकल है क्या, नहीं है, इधर तो कोई स्ट्रेंज है ही नहीं, तो इधर भी स्ट्रेंजनेस जीरो आनी चाहिए। अब देखिए, के माइनस जो है ना, इसकी स्ट्रेंजनेस -1 होती है, और सिग्मा पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी स्ट्रेंजनेस भी -1 होती है, तो क्या ये कंजर्व हो रही, इधर तो -2 हो गई, इधर जीरो है, नहीं हो रही कंजर्व, यानी ΔS जो है वो भी जीरो नहीं है। इसका मतलब ये रिएक्शन अलाउ ही नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ें इसमें कंजर्व नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें एक और ऑप्शन है कि द प्रोसेस इज नॉट अलाउड बिकॉज बेरियम नंबर इज वायलेटेड। तो बेरियम नंबर वायलेट हो रहा है क्या, यहाँ पर देखिए, ये तो मेजोन है, ये बेरियन है, उसके बाद में वापस ये मेजोन है, ये बेरियन है, तो ये दोनों बेरियन है, तो बेरियन नंबर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, केवल स्ट्रेंजनेस और ΔI3 जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो उनकी वजह से रिएक्शन जो अलाउ नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेसिक प्रोसेस अंडरलाइंग द न्यूट्रॉन बीटा डीके इज, न्यूट्रॉन बीटा डीके है उसका बेसिक प्रोसेस क्या होगा, तो न्यूट्रॉन का डीके की रिएक्शन लिखते हैं हम, क्या होती है, न्यूट्रॉन गिव्स प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यू का बार। ठीक है, तो अब ये तो वैसे ही हट गया, और इलेक्ट्रॉन और न्यू का बार तो सब में आ रहा है। अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ें हैं हमारी जो क्वार्क स्ट्रक्चर लिखते हैं इनका, वो आ रहा है। ठीक है, कि न्यूट्रॉन जो है किस में, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। न्यूट्रॉन का क्वार्क स्ट्रक्चर क्या होता है, यू डी डी, प्रोटॉन का होता है यू यू डी, ये क्वार्क निकालना हमने बहुत अच्छे से देख लिया था पहले। ठीक है, तो इसमें से हम देखते हैं कि यू डी, एक बार यू एक बार यू, बच कर रहे हैं डी और एक यू, इसका मतलब यहाँ पर डी गिव्स यू प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यू का बार। ठीक है, ये तो कॉमन आ रहे थे, कैंसिल टाइप का कुछ भी मान लो आप, तो डी और इधर यू बच रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्ट्रेंज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और यू डी में से क्या किस में आएगा तो वो आप लिख के चेक कर सकते हैं, अगर प्रोटोन इधर होता तो वो तो रिएक्शन ही चेंज हो जाती। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कॉरेस्पॉन्ड टू फंडामेंटल पार्टिकल्स। ध्यान से समझना, कौन सा है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, न्यूट्रिनो, क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, मेसोन। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स किसको बोलते हैं? ऐसे पार्टिकल्स जिनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ना हो, दैट मीन्स नो इंटरनल स्ट्रक्चर। उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। तो देखिए, हेड्रॉन्स जो होते हैं ना, वो तो क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और जो लेप्टॉन्स होते हैं वो, और फोटॉन्स, इनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। लेप्टॉन्स एंड फोटॉन्स डू नॉट हैव इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं, ये तो वही आ गया हेड्रॉन, हेड्रॉन, और वापस इसमें क्वार्क करिए सब, मेसोन आ गया इसमें। तो हेड्रॉन के अंदर क्या आते हैं? मेसोन, बेरियंस ना वो सब। तो इलेक्ट्रॉन, फोटो, न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो क्या है? लेप्टॉन्स हैं और फोटोन है। और क्या लिखा हमने? कि लेप्टॉन्स एंड फोटोन्स जो होते हैं उनका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। हेड्रॉन्स जो होते हैं वो तो क्वार्क के बने होते हैं, दैट मीन्स उनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। इसलिए फंडामेंटल पार्टिकल्स में हम इनको काउंट करेंगे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अ न्यूक्लियस एक्स अंडरगोज अ फर्स्ट फॉरबिडन बीटा डीके टू अ न्यूक्लियस वाई। एक्स है, फर्स्ट फॉरबिडन बीटा डीके हो रहा है, न्यूक्लियस वाई बन रहा है, ठीक है। इफ़ द एंगुलर मोमेंटम आई एंड पैरिटी पी डिनोटेड बाय, ये आई इस तरह से डिनोट करते हैं, आई पी है ना, आई पी ऊपर, एज 7/2 - 4x। एक्स के लिए क्या दे रखी है? 7/2 माइनस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल आई पी वैल्यू ऑफ वाई। वाई के लिए आई पी वैल्यू क्या पॉसिबल है? तो देखिए, फर्स्ट हमारे लिए क्या काम कीजिए? फर्स्ट फॉरबिडन बीटा डीके। इसमें क्या होता है, हमने देखा था कि एक तो पैरिटी चेंज होती है, राइट। तो पैरिटी चेंज होती है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो वाई होगा उसके ऊपर पैरिटी में तो प्लस आना चाहिए। अब देखिए, फर्स्ट फॉरबिडन जो बीटा डीके है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो फर्मी वाला जो होता है या फिर गैमा टेलर से, ठीक है, FT या GT। इनके रूल क्या थे? इसमें तो डेल्टा जे जो है वो 0 और ±1 हो सकता है, इसमें डेल्टा जे जो है वो 0 ±1 ±2 हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, इनमें प्लस के लिए दो ही ऑप्शन है, 1/2+ और 3/2+। अगर मैं 7/2 और 1/2 का डिफरेंस देखूँ तो 6/2 यानी 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 7/2 और 3/2 का डिफरेंस देखूँ तो ±2 टाइप का डिफरेंस हो रहा है, तो जो डीके हो रहा है वो गैमा टेलर फर्स्ट फॉरबिडन बीटा डीके का अलाउ, मतलब इससे हो जाएगा ना, फर्स्ट फॉरबिडन बीटा डीके से हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 3/2+ आना होगा, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन में पहले नोट करना कि वो अलाउड बोल रहा है, फर्स्ट फॉरबिडन बोल रहा है, सेकेंड फॉरबिडन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग पैरिटी की नेचर देखनी है, दो ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद में हमको इस सेलेक्शन रूल से डेल्टा जे निकाल के देखना है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्वार्क स्टेट्स क्यू क्यू क्यू, क्वार्क स्टेट बोल दी इन्होंने क्यू 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 टाइप की, ठीक है, डिनोटेड बाय एक्स, उसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, कैन नॉट बी अ पॉसिबल बैरियन, बैरियन नहीं हो सकता है। द कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंडिकेटेड इन द सबस्क्रिप्ट, ये इलेक्ट्रिक चार्ज हमको बता रखा है इनका, ठीक है। अब देखिए गाइस, हमको पता है कि जो क्यू 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 होते हैं ना, इनके अंदर क्या क्वार्क्स आते हैं? क्वार्क में जितने भी टाइप के चार्जेस हैं, या तो वो 2/3e होगा पॉजिटिव, या फिर वो -1/3e होगा, ठीक है, इन दोनों में से कुछ होगा। तो अगर तीन सिंपल क्वार्क मिल रहे हैं, यहाँ पर बार किसी का नहीं है, राइट, है ना, थ्री, क्योंकि बैरियन है तो क्यू 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 स्ट्रक्चर ही होनी पड़ेगी उसकी। अब इसमें देखिए, ये तीनों चीज़ें तो पॉसिबल है, लेकिन क्या डबल माइनस यानी -2 चार्ज पॉसिबल है क्या? वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। यहाँ पर अगर हम कॉम्बिनेशन बनाकर देखते हैं तो -1 हम बना सकते हैं, तीनों ये वाले ले लेते हैं, +2 बनाना है तो भी हम तीनों अगर प्लस वाले ले लें तो ये बना सकते हैं, क्योंकि प्लस के अंदर +2/3e है, लेकिन नेगेटिव में हमारे पास -1/3e ही है। अगर मैं तीनों क्यू को भी ऐसा कोई ले लेती हूँ क्वार्क जिसमें -1/3e चार्ज है, तो भी हाईएस्ट क्या? -1 बनेगा। तो -2 इसमें पॉसिबल नहीं होता है बनना, दैट्स वाई कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला बैरियन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए,
इन द बीटा डीके प्रोसेस द ट्रांजिशन दिस इज, देखना कि ये अलाउ है या किससे अलाउ होगा किससे नहीं वो देखना है। तो क्या इसमें पैरिटी चेंज हो रही है? चलो पैरिटी तो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद में हमको देखना है कि जब पैरिटी चेंज नहीं हो रही है तो डेल्टा जे की वैल्यू क्या आ रही है, 2 और 1, तो यानी डेल्टा जे की वैल्यू 3 माइनस 2 1 आ रही है। अब इसके अंदर क्या है कि अगर जब हम अलाउड की बात करते हैं, इसमें कहीं फॉरबिडन आ रहा है क्या? नहीं, केवल हमको अलाउड के लिए चेक करना है। और पैरिटी भी है, मतलब चेंज नहीं हो रही, यानी कि अलाउड ट्रांजिशन है। अलाउड में कंडीशन क्या होती है? फर्मी टेलर और सॉरी फर्मी ट्रांजिशन और गामा टेलर जीटी की। इसके अंदर तो होता है डेल्टा जे 0 होना चाहिए, इसमें डेल्टा जे 0 और प्लस माइनस 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पर 1 आ रहा है तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, जीटी वाला पॉसिबल है, तो इसलिए नॉट अलाउड बाय फर्मी बट अलाउड बाय जीटी, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39, सॉरी सॉरी 32। द एटॉमिक मासेस ऑफ दिस 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 एंड दिस आर दिस दिस दिस, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट में इनके मासेस दे रखे हैं। यूजिंग अबोव इन्फॉर्मेशन क्यू वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन दिस इज, ये जो रिएक्शन है ना इसकी हमको क्यू वैल्यू निकालनी है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी क्यू वैल्यू, इनके तो हमने अच्छे से काफ़ी पढ़ रखा है, सॉल्यूशन है, क्योंकि मास दे रखा है तो मैं डायरेक्ट इससे कैसे निकालूंगी क्यू वैल्यू के लिए? मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट में एक तो ये आ रहा है, इसका मास क्या होगा? ये तो 151.92 1749 प्लस न्यूट्रॉन का फोर्थ नंबर पे, ये 1.008665, ठीक है। माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में एक तो ये, इसका क्या है, ये 151.919756 प्लस साथ में इसके प्रोटॉन है और इसमें 1H1, तो हाइड्रोजन जो होता है उसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है। तो इसका मतलब कि ये जो है प्रोटॉन का ही मास दे रखा है ये, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं 1.007825, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आता है, 0.002833 और इंटू 10^-3 में है तो कितना हो जाएगा, 2.833 इंटू 10^-3, तो यहाँ पर 2.833 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इन द न्यूक्लियर शेल मॉडल द पोटेंशियल इज मॉडल एज दिस, ठीक है। न्यूक्लियर शेल मॉडल में पोटेंशियल हमको इतनी दे रखी है। द करेक्ट स्पिन पैरिटी एंड आइसोस्पिन असाइनमेंट फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ C13 इज, ठीक है। करेक्ट स्पिन पैरिटी और आइसोस्पिन असाइनमेंट बताने हैं। अब देखिए ये ऊपर की लाइन का कोई मतलब आएगा कि हमारे, कोई सेंस नहीं है। हो सकता है कुछ लोग इसको देख कन्फ्यूज हो जाए कि ये तो अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या, जो क्वेश्चन वाली लाइन है उसमें हमको क्या बोला, करेक्ट स्पिन पैरिटी निकालनी है, ठीक है, तो और आइसोस्पिन निकालनी है। तो C6 13 की बात करते हैं। प्रोटोन कितने हो गए, 6, न्यूट्रॉन कितने हो गए, 13 - 6 7। अरेंज करते हैं SPPD, 1/2, 3/2, 1/2, 5/2, इसमें 2j+1 2, फिर वापस 4 2 4 6 हो गए, एक और न्यूट्रॉन बढ़ना, एक यहाँ भर दो, तो वी हाफ। इस तरह क्वेश्चन तो काफ़ी कर लिया है, ज़रूरत भी नहीं हो, पर ये आ गई लाइन, इसलिए 1/2 और फिर पी है, तो पैरिटी क्या हो जाएगी, -1 to the power L, -1 to the power L यानी -1 to the power 1 नेगेटिव आ जाएगी और, तो 1/2 माइनस, तो एक ही ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। इन द SU3 क्वार्क मॉडल द ट्रिपलेट ऑफ मेजोन हैज़ आइसोस्पिन और स्ट्रेंजनेस बतानी इसकी। तो मेजोन स्ट्रेंज होते हैं क्या, नहीं होते हैं, तो स्ट्रेंजनेस तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देन I=1 S=0 आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके आइसोस्पिन कितने, ट्रिपलेट बन रहा है ना, तो ट्रिपलेट के लिए हम वो जो मल्टीप्लिसिटी क्या होती है 2I+1, उस फॉर्मूले से निकाल देते तो आई की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कंसिडर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे दी है, पार्टिकल एक्स क्या होगा? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ है और बाकी अगर हम नॉर्मली भी देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व, क्योंकि रिएक्शन हो रही है हमको बोल दिया ना इसने, तो यहाँ पर देखिए गामा है, न्यूई है, न्यूट्रॉन है, पाई नोड है, क्या होगा? ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की साइड में इधर वापस ये पार्टिकल न्यूट्रिनो निकलना होगा, तो सिंपली आंसर आ जाएगा। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉज इज वॉयलेटेड इन द डीके दिस, इनमें से कौन सा कंजर्वेशन लॉ जो है ना वो यहाँ पर वॉयलेट हो रहा है? एंगुलर, पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए कीजिए,
एंगुलर मोमेंटम, टोटल लेप्टन नंबर। टोटल लेप्टन नंबर तो कोई चीज़ होगी ही नहीं क्योंकि इंडिविजुअल लेप्टन नंबर कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज या टो नंबर, तो इलेक्ट्रिक चार्ज तो हमको दिख रहा है हो रहा है, और सिंपल टो नंबर है तो हमको दिख रहा है एक टो पार्टिकल तो है। लेकिन लेप्टन नंबर कंजर्वेशन के लिए अगर हमारे पास में है, इसके साथ और भी इसकी फैमिली का कोई मेंबर होना चाहिए ताकि लेप्टन नंबर कंजर्व हो जाए। तो टो तो अकेला है, इसके साथ वाला तो कोई है ही नहीं। जैसे मैं इसको लिखूँ ना, ये इसमें कन्फ्यूज होना, मल्टीप्लाई भी कुछ नहीं है, ये ऐसे ही लिखना है वापस, प्लस म्यू प्लस प्लस म्यू माइनस, तो कंजर्व नहीं हो रहा है टो नंबर, तो इसलिए ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शंस आर, इनमें से क्या सी है, सी पी है, सी पी टी है। तो देखिए सी यानी चार्ज, तो हमको पता है कि सारे मतलब एक तो कोई भी इंट्रैक्शन हो चार्ज तो कंजर्व होना ही चाहिए क्योंकि ये क्या एग्जैक्ट कंजर्वेशन होता है। तो सी तो ऑफकोर्स उसमें चार्ज है वो कंजर्व होगा। फिर सी पी की बात करते हैं और सी पी टी की बात करते हैं, तो चार्ज पैरिटी और चार्ज पैरिटी टाइम रिवर्सल, सी पी सी पी टी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें, अगर वो वीक बोलते तो बात अलग थी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में तो ये दोनों भी कंजर्व होते हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जिसमें तीनों कंजर्व हो? सी कंजर्विंग तो ये तो सही बात है, सी नॉन कंजर्विंग गलत, सी पी नॉन कंजर्विंग गलत, सी पी टी नॉन कंजर्विंग गलत। तो मतलब सभी कंजर्व होते हैं ना, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो रहा है कि चार्ज कंजर्व है, सी कंजर्विंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द न्यूक्लियर रिएक्शन पार्टिकल एक्स इज, तो अभी ऐसा देखा था उसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो गया वापस। इधर न्यू ही है तो इधर क्या होना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को होना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, और बाकी लेप्टन नंबर कंजर्वेशन से देख सकते हैं। इन द डिके दिस व्हाट इज एक्स, अब देखिए वही चीज़ है लेप्टन नंबर कंजर्वेशन, इधर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, इसकी फैमिली का भी न्यूट्रिनो आ गया। इधर हमारे पास म्यूऑन है, एक लेप्टॉन है, तो लेप्टॉन नंबर इसका भी कंजर्व होना चाहिए तभी रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो वो कब पॉसिबल होगा, जब इसकी फैमिली का आता है, ठीक है, म्यूऑन की फैमिली का। तो इनमें म्यूऑन की फैमिली के देखिए दो ऑप्शन है, एक तो सिंपल म्यूऑन के लिए न्यूट्रिनो और एक इसके लिए एंटी न्यूट्रिनो, तो कौन सा होगा? तो हमको पता है कि जब लेप्टॉन नंबर हम लिखते हैं तो म्यू माइनस क्या पार्टिकल है और म्यू प्लस एंटी पार्टिकल है, एंटी पार्टिकल है। ठीक है, मतलब एंटी लेप्टॉन। वापस इनके इसकी बात करें न्यूट्रिनो की, इसके लिए लेप्टॉन नंबर 1, इसके लिए -1, वापस इसके लिए 1, इसके लिए -1। तो म्यू प्लस के लिए कितना होता है, -1 होता है, इसका 12 है यहाँ पे, है ना। तो वापस यहाँ पर क्या चीज़ होनी चाहिए, ये वाला -1 होना चाहिए तभी रिएक्शन पॉसिबल होगी, तो एंटी न्यूट्रिनो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट्री पार्टिकल दिस इज प्लेस इन द बैरियन डिक्यूप्लेट शोन बिलो एट, कहाँ पर होगा? तो ये क्या है, कैस्केड है। ठीक है, कैस्केड में कौन कौन से होते हैं, एक तो एच माइनस या एच की जगह इसको ये दो सिंबल होते हैं ना जो यूज़ हो जाए एग्जाम में, वही बात है। तो एक तो इसका माइनस वाला और एक इसका जीरो वाला, ठीक है, यही तो होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमको बढ़ती हुई स्ट्रेंथनेस बताई जा रही है, यहाँ पर थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन जो है वो आया हुआ है। यहाँ पर चार पॉइंट्स है, डेल्टा प्लस प्लस इस साइड में है क्योंकि थर्ड कंपोनेंट वाइज स्पिन जब हम निकालेंगे सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर डेल्टा प्लस, फिर डेल्टा जीरो, फिर डेल्टा माइनस, इस तरह से ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट यहाँ पर किसके लिए बनेगा, सिग्मा के लिए, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा जीरो के लिए। फिर ये जो अपन बात करते हैं ये किसके लिए होगा, तो ये होगा कैस्केड के लिए, और ये किसके लिए होगा, ओमेगा के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि -3 -2 -1 इस टाइप से इनकी स्ट्रेंथनेस चलती रहेगी। ठीक है, ये स्ट्रेंज पार्टिकल्स नहीं होते, डेल्टा पार्टिकल्स, इनकी स्ट्रेंजनेस 0, इनकी -1, इनकी -2, इनकी या यानी इसकी -3। तो स्ट्रेंजनेस बढ़ रही है, स्ट्रेंजनेस बढ़ने का ऑर्डर आ गया, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा प्लस प्लस को यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर डेल्टा प्लस 0 माइनस, इस तरह से सिग्मा प्लस, सिग्मा 0, सिग्मा माइनस। कैस्केड के अंदर माइनस और जीरो होते हैं, बढ़ते हुए हमें रखना है, तो जीरो वाला कहाँ है, यहाँ आएगा, और कम वाला मतलब माइनस वाला यहाँ आएगा। तो ये जो आर है ना वो पोजीशन हो जाएगी कैस्केड जीरो की, ठीक है, आर ऑप्शन हो जाएगा। फिर है फोर न्यूक्लियस 164 के, जे पाई जो भी है ये पूरा दे रखा है क्वेश्चन के अंदर स्टेट के लिए, इसकी एनर्जी है अगर एज्यूमिंग दिस टू बी ए रिजिड रोटेटर, तो क्वेश्चन हमको बोल जाए कि ये रिजिड रोटेटर है। तो 2+ स्टेट के लिए इसकी एनर्जी दे रखी है और 4+ के लिए निकालनी है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, सिंपल सा है। एनर्जी रिजिड रोटेटर की कितनी होती है, h² / 2i j × j+1। ठीक है, एनर्जी दे रखी है 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू h² / 2i। जे की वैल्यू यहाँ पर 2+ स्टेट 2 है तो 2 × 2+1 3,
तो यहाँ से अगर हम इसको कट करते हैं 30, 15, तो एच का स्क्वायर बाय 2 i की वैल्यू 15 आ गई। अब हमको निकालनी किसके लिए है, 4 + 8 के लिए निकालनी है। इसके लिए एनर्जी वापस वही एच का स्क्वायर बाय 2 i की वैल्यू यहाँ से 15 रख देंगे और j इंटू जे प्लस वन, तो j की वैल्यू 4, j प्लस वन 5, आंसर कितना आ जाएगा 5 × 4 = 20 एंड 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कुछ नहीं होता है, ये फॉर्मूला है, एक स्टेट के लिए हमको एनर्जी दे रखी होती है, उससे हम लोग एच का स्क्वायर बाय 2 i की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर एनर्जी का यही फॉर्मूला में जे की वैल्यू ये और एच का स्क्वायर 2 i की वैल्यू जो निकाली होती है वो पुट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कंसिडरिंग बैरियन नंबर एंड लेप्टोन नंबर कंजर्वेशन लॉज। क्या कंसिडर करना है हमको, सिर्फ बैरियन नंबर और लेप्टोन नंबर देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज और आर अलाउड, कौन से अलाउ है कौन से नहीं है, चारों ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट वाले को चेक करते हैं, प्रोटोन एक बैरियन है, वापस इधर कोई बैरियन है क्या, नहीं है, ये तो मेजोन है और ये दोनों लेप्टोन्स हैं, तो ये रिएक्शन तो बैरियन नंबर पे फेल हो गई, तो ये तो कट गई। इसमें देखते हैं बैरियन इसमें है ही नहीं, तो बैरियन नंबर ऑफकोर्स कंजर्व हो गई। लेप्टोन नंबर देखते हैं, यहाँ पर ई प्लस है, इसका लेप्टोन नंबर -1, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन फैमिली का न्यूट्रिन है, इसका इलेक्ट्रॉन नंबर +1, तो इसकी फैमिली तो 0 हो गई, कंजर्व हो गई। अब म्यूऑन की फैमिली भी है, इसके लिए -1, इसके लिए +1, ये भी कंजर्व होगी। यानी इसमें क्या होगा, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन नंबर चेक कर लिया हमने, इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व है, बैरियन तो है ही नहीं, तो जो बैरियन नहीं है तो इन सबका बैरियन नंबर 0 हो जाएगा, तो बैरियन नंबर भी कंजर्व है, तो ये रिएक्शन तो अलग हो जाती है और ये रिएक्शन फॉरबिन हो जाती है। साफ बोल रखा है कंसिडरिंग बैरियन नंबर एंड लेप्टोन नंबर, यानी इन दो चीज़ों को ही हमको चेक करना है। तो विच वन इज़ अलाउड, ओनली सेकेंड वन, तो ऑप्शन सी है, वो बता रहा है ओनली सेकेंड, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, लो एनर्जी कॉलिजन एस वेव स्कैटरिंग ऑफ पायोन पाई प्लस विद ड्यूट्रॉन डी रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 2 प्रोटोन्स। मतलब ये जो इसने इतना बोला है ना, ये रिएक्शन ये हो गई, ठीक है, और एस वेव स्कैटरिंग है। द रिलेटिव ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन यूनिट्स ऑफ एच क्रॉस ऑफ द रिजल्टिंग 2 प्रोटोन सिस्टम फॉर दिस रिएक्शन इज, ठीक है, तो इसके अंदर हमको बताना है कि ये जो 2 प्रोटोन सिस्टम बन रहा है ना, रिएक्शन लिख देती हूँ पहले, पाई प्लस प्लस ड्यूट्रॉन गिव्स प्रोटोन प्लस प्रोटोन, ठीक है, ये रिएक्शन हो गई है। एस वेव स्कैटरिंग यहाँ पे निकालना क्या है, जो पहले देख लीजिए, रिलेटिव ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन यूनिट्स ऑफ एच क्रॉस ऑफ द रिजल्टिंग 2 प्रोटोन सिस्टम, ये जो 2 प्रोटोन सिस्टम है ना, इसका हमको रिजल्टिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना होता है। अब देखिए, जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं उसमें ऑर्बिटल स्पिन दोनों कंसिडर होगा, तो टोटल जब हम इसकी बात करते हैं तो वो कैसे निकलता है, देखिए -1 to the power L होता है, यहाँ पर जो L होता है ना, ये इसके और इसके लिए इंडिविजुअली नहीं दिया जाता है, L जो होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूरे सिस्टम के लिए दिया जाता है, ठीक है, तो ये तो इस वाले के लिए, ऐसे ही इसके लिए भी हम लिखेंगे तो पाई प्लस और ड्यूटोन का अलग नहीं होगा, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम -1 to the power L लिख देंगे, इंटू -1 to the power 2s + 1, ठीक है, ये चीज़ हो गई है, ये इसकी ऑर्बिटल पैरिटी, ये इसकी क्या हो गई है, इंट्रिंसिक पैरिटी जो होती है वो हो गई है, तो इससे इस पूरे की ये हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये इसकी स्पिन हो गई है, तो इससे हमारा इसका पूरा पता पड़ गया है पैरिटी का, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम जब लगाते हैं पैरिटी को, तो पाई प्लस इसके लिए हमको बोला है एस वेव स्कैटरिंग है, यानी एल की वैल्यू 0 है, तो -1 to the power 0। फिर देखो पैरिटी के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर मेजोन होता है ना, उसके लिए तो हम पैरिटी -1 ले लेते हैं, और अदर देन मेजोन उनके लिए पैरिटी हम +1 ले लेते हैं, ठीक है। तरीका भी बताया था निकालने का, एस की वैल्यू रख के, फिर पार्टिकल एंटी पार्टिकल का कंसेप्ट कैसा होता है वो पूरा, तो आप तरीके से भी कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा टाइम नहीं होता, डायरेक्ट ऐसे कर लेना ना, तो मेजोन है तो -1, फिर ये मेजोन नहीं है तो +1, प्रोटोन प्रोटोन। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो थोड़े मतलब ढंग के हैं ना, बाकी अब तक तो ईजी चल रहा था। इसके लिए वापस इस सिस्टम के लिए हमको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो इस वापस ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसका तो हमको पता नहीं है ना, तो -1 to the power L, फिर माइनस ये पैरिटी की बात हो गई है, तो ठीक है जो सिंपल होती है वो, तो इसके अकॉर्डिंग देखें जब हम ये वाली टर्म बनाते हैं ना, ये किसके लिए बता रहे हैं हम, -1 to the power 2s + 1 के लिए,
क्योंकि अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे हमको क्या एल के बारे में कुछ गिवन भी नहीं होता है, हमको पता भी नहीं होता है, तो हम लोग अप्लाई करते भी नहीं हैं, सिर्फ हम लोग इस चीज़ को देख के सॉल्व कर लेते हैं। तो वापस प्रोटॉन के लिए क्या होगा, मेजोन ये तो प्लस वन वन, तो यहाँ पर माइनस वन इक्वल्स टू माइनस वन इक्वल एल, तो एल की वैल्यू अब क्या आएगी नेग, यहाँ पर क्या होनी चाहिए ओड होनी चाहिए, यानी वन थ्री सो ऑन। अब इसमें हम क्या लेते हैं, जो कम वाली वैल्यू होती है मिनिमम वो हमको लेनी होती है, तो वन जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। थ्योरी अगर पढ़ी हो अगर पूरी स्कैटरिंग की तो और इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, बाकी ज़्यादा हमको करना नहीं है, एक बार वापस देख लीजिए। ये दे रखी थी रिएक्शन, रिएक्शन लिखी, टोटल हमको देखनी पैरिटी तो माइनस वन डिवाइड बाय एल, एल ऑर्बिटल के लिए जो हम नॉर्मली स्पिन पैरिटी में भी ये फॉर्मूला यूज लेते हैं, फिर इसमें हमने इंट्रिंसिक और मिक्स कर दिए, और पैरिटी क्या मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी होती है, तो ये सब मल्टीप्लाई में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब जो ये टर्म है वो तो क्या पूरे सिस्टम के लिए दी जाती है, ठीक है, तो ये पूरे पार्ट के लिए ये लिख दी, जीरो लिया क्योंकि एस वेव है स्कैटरिंग हो रही थी, एल की वैल्यू जीरो है, यहाँ पर एल लिखा, फिर ये लगाया हमने कि इसमें जो हम पैरिटी देखते हैं वो मेजोन के लिए माइनस वन होती है, बाकी के लिए प्लस वन होती है, सॉल्व किया और आ गई मिनिमम यानी वन की वैल्यू हमने ले ली है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 44, ये एक अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान से समझिएगा। अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 30 आवर्स, ठीक है, टी हाफ जो है एक्स के लिए कितना हो गया है 30 आवर्स। ओके, इट डिकेज यूर अल्फा बीटा एंड गामा एमिशन विद द ब्रांचिंग रेशियो फॉर बीटा डिके बिंग 0.75। तो अल्फा और बीटा डिके हमने पढ़ा था होगा, और उसके बाद में जो एक्साइटेड स्टेट में रह जाएगा तो गामा डिके तो होगा ही, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, डिके कांस्टेंट इस पूरे एलिमेंट एक्स के लिए अगर लैम्डा है ना, तो टोटल डिके कांस्टेंट जो है वो क्या होगा अल्फा के लिए होगा प्लस बीटा के लिए हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा दोनों हो जाएगा, और गामा तो इनके बाद मोस्ट मोस्टली होता ही है क्योंकि वो इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो रिलीज करते हैं, वो सब हम थ्योरी में देख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ब्रांचिंग रेशियो हमको दे रखा है फॉर बीटा बीइंग 0.75, तो ब्रांचिंग रेशियो फॉर बीटा कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको, डीके कांस्टेंट फॉर बीटा डिवाइडेड बाय टोटल डीके कांस्टेंट। ठीक है, ये हो जाएगा बीटा के लिए ब्रांचिंग रेशियो, क्या हो जाएगा डीके कांस्टेंट फॉर बीटा डिवाइडेड बाय टोटल डीके कांस्टेंट, तो लैम्डा बीटा डिवाइडेड बाय टोटल डीके कांस्टेंट, ये था लैम्डा अल्फा प्लस लैम्डा बीटा, वो 0.75 दे रखा है, 0.75 को मैं 3/4 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कि क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेप है ना, सॉल्व करूँ अगर मैं तो 4 लैम्डा बीटा इक्वल्स टू 3 लैम्डा अल्फा प्लस लैम्डा बीटा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा ये 3 है ना, तो इधर लाएंगे तो लैम्डा बीटा जो है वो हो जाएगा 3 लैम्डा अल्फा, यानी लैम्डा अल्फा हो जाएगा लैम्डा बीटा डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं लैम्डा निकालती हूँ तो लैम्डा अल्फा प्लस लैम्डा बीटा, तो लैम्डा अल्फा क्या लैम्डा बीटा बाय 3 आ गया, प्लस लैम्डा बीटा वो हो जाएगा 4/3 लैम्डा बीटा। ठीक है, अब लैम्डा जो है वो क्या होता है ln2 यानी 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ होता है। ठीक है, तो अब टोटल के लिए हमको जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स है ना उसके लिए हमको लाइफ टाइम हाफ लाइफ जो सॉरी हाफ लाइफ दे रखी है 30 आवर्स, यानी उसके लिए हमको टी हाफ दे रखा है, तो वो क्या है यहाँ पर 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ कितना 30 आवर्स किसके बराबर है 4/3 इंटू लैम्डा बीटा, लैम्डा बीटा और हमको निकालनी क्या पार्शियल हाफ लाइफ फॉर बीटा डीके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.693 वही लैम्डा का फॉर्मूला ln2/T½, ये टी हाफ किसके लिए बीटा के लिए। ठीक है, इससे ये कैंसिल, इससे इधर काटूँ तो 10, फिर वापस अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो टी हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना आंसर, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से डील किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल एंगुलर मोमेंटम जे ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ दिस इज, जैसे मैंने कहा था कि कहीं कहीं वकी वकी वो स्पिन पैरिटिक क्वेश्चन आ जाते हैं तो भी मैंने नोट कर लिया इसको, तो 8 प्रोटोन कितने 8, न्यूट्रॉन कितने 17 - 8 यानी 9 न्यूट्रॉन्स हो गए, जमाने के लिए एस पी पी डी हाफ 3/2 1/2 और 5/2
इसमें दो भरने आएंगे, इसमें चार भर सकते हैं, इसमें दो भर सकते हैं, 2, 4, 6, 2, 8, 8 हो गया। एक और बच रहा है, यहाँ जाएगा, ये आ गया, तो किस में गया? 5 8 2 में गया, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। अ पार्टिकल एक्स इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस दिस, ठीक है, ये पार्टिकल एक्स निकल रहा है, वेयर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, कैसे स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन से? तो क्वार्क कंटेंट ऑफ के प्लस इज यूएस बार, इसका क्वार्क कंटेंट दे रखा है यूएस बार, तो क्वार्क कंटेंट ऑफ एक्स इज, इसका क्या होगा? राइट, रिएक्शन क्या है? पाई प्लस प्लस प्रोटोन गिव्स के प्लस प्लस एक्स, ठीक है। तो अब देखिए, इसके लिए यूएस बार दे रखा है, इन दोनों में से कोई स्ट्रेंज है क्या? नहीं है। अगर यहाँ पर एस बार है तो यहाँ पर एस आना चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पर क्वेश्चन देख लिया कि यहाँ पर एस बार है, इनमें से कोई स्ट्रेंज नहीं है, तो रिड्यूस होने के लिए यहाँ पर एस आना चाहिए। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जहाँ पर एस आ रहा है, तो मामला तो वहीं ख़त्म, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। और आपको ऑप्शन में कहीं और एस आ जाता है तो उस केस में हमको क्या करना होगा? चार चेक करना होगा, ठीक है, यहाँ पर +1, यहाँ पर +1, ठीक है, टोटल चार्ज 2 हो गया, इसके ऊपर चार्ज के +1 है, इसका भी टोटल चार्ज 1 होना चाहिए। अब एस आउट क्या, तो एस के लिए चार्ज कितना हो गया? -1/3e, तो अगर दो यू होंगे तभी वो 2/3 प्लस 2/3 -1/3, इस तरह से बन के प्लस चार्ज आ पाएगा, तभी चार्ज टोटल 2 हो पाएगा, तो यू यू एस सी इसका आंसर पॉसिबल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल वाई अंडरगो स्ट्रॉन्ग डिके, दिस द आइसोस्पिन ऑफ वाई इज, ठीक है, तो आइसोस्पिन की बात कर रहे हैं। इसके लिए आइसोस्पिन पाई के लिए हमको पता है ट्रिपलेट बनाता है, आई की वैल्यू की जब बात करते हैं तो 1 इसके लिए, 1 इसके लिए, कॉम्बिनेशन बनता है 0 1 2, तो इसका मतलब इनमें से देखा जाए तो 0 1 2 कुछ भी मैच हो जाएगी तो हो जाएगा। लेकिन अगर हम आई थ्री की बात करते हैं तो पाई माइनस है, इसके लिए आई थ्री -1 और इसके लिए भी -1, तो टोटल हो जाएगा -2। अब आई थ्री की वैल्यू -2 चाहिए अगर हमें यहाँ पर होगा तभी वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग है मतलब आई थ्री भी कंजर्व होना चाहिए, और आई थ्री कंजर्व होगा यानी यहाँ पर -2 आई थ्री आ रहा है तो यहाँ पर भी -2 होना चाहिए, और हमको पता है कि जैसे आई की वैल्यू 1 है तो आई थ्री की वैल्यू क्या हो सकती है? -1 0 1, आई की वैल्यू 0 है तो आई थ्री की वैल्यू 0, और उसकी वैल्यू अगर 2 होगी तभी फिर आदमी वो क्या हो पाएगा, -2 -1 0 1 2, दिस टाइप से, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर आई की वैल्यू इनमें से फिर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, ठीक है, तो ऐसे स्पिन ऑफ वाई आ जाएगा हमारा आंसर 2। तो गेट के ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स 2000 से लेकर 2020 तक, जो जो मुझे लगे कि इम्पॉर्टेंट है या फिर जिनमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है तो वो मैंने कवर कर लिए। कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो हमने नोट्स जब मतलब जब थ्योरी कंप्लीट कर रहे थे उस टाइम पे आ गए थे, और कुछ जैसे स्पिन पैरेट निकालने काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे तो वो कवर नहीं किए, बाकी थ्योरी के एक दो थे जो प्रैक्टिकल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग थे वो, तो ऑलमोस्ट गेट का सारा कवर हो चुका है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि गेट का तो हो चुका है, नेट के भी अगर हेल्पफुल हो वीडियोज़ तो हम नेट के, जेस्ट के, TFR के, इन सब के भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, थैंक यू।